समंदर की लहरों की तरह भारी तादाद में आए हुए खेल प्रेमियों का हाल। मीट शुरू होने वाली है, चेन्नई से उसे सही वक्त पर यहाँ तक लाने वाला कोच हूँ मैं। मुझे चकमा देकर कहाँ गया वो गुरु? टेंशन मत ले बेलुच्चे। ए, 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 किसे कहा, किसे कहा? वो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गया है, अभी आ जाएगा कोच। दिन थाम कर बैठिए क्योंकि प्रतियोगिता। कहाँ है वो? अरे बेवजह फिक्र मत करो कोच, अपना गुरु सही वक्त पर तूफान बनकर आएगा और स्टेडियम को हिला के रख देगा। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। वो आएगा तो ही तो स्टडी मिलेगा, वो नहीं आएगा तू ही जीतेगा और कप हमारे कॉलेज को ही मिलेगा। वो गुरु अभी तक 24 मीट में शामिल होकर 24 गोल्ड मेडल जीत चुका है, उल्टा भी खड़ा हो जाए कोई भी उसका रिकॉर्ड टच नहीं कर सकता। तू फिक्र मत कर, वो हरगिज नहीं आएगा। ए, वो शहर में पहुंच चुका लेकिन ग्राउंड में नहीं आएगा, पक्का इंतजाम हो चुका है वो नहीं आने वाला। कैसे दौड़ेगा चिकने? ए, मैं दौड़ता भी हूँ और तू जैसों को दौड़ाता भी हूँ। नीचे देख घोंचू। चट्टान से रुक जाने वाला मैं कोई हवा का झोंका नहीं हूं, तूफान हूं मैं। ऑन योर मार्क, चेन्नई नेशनल कॉलेज से आए हुए प्रतियोगी गुरु ग्राउंड में आ जाएं। गुरु फौरन ग्राउंड में आए। पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा।
पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। चल था बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौला के मंजिले चुमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। चल था बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौला के मंजिले चुमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। पीछे छोड़ा जोश जगा ले, ले चल सबका सबका, तू ही झूले बुलंदी जीत अपनी, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो तू ही है। चल था बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, के मंसूबे फौला के मंजिले चुमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। खो देना आज बोएगा कल पाएगा, ये नहीं भूल जाना तू, ये नहीं भूल जाना तू, ये नहीं भूल जाना। अगर किसी ने घाव दिया उससे ना लड़ना, कर है तौबा, न्याय में घाव में जो जाने बेहतर, सब उसमें छोड़ के बनते चल है थोड़ा। पीछे छोड़ा जोश जगा ले, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो तू ही है। चल था बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौला के मंजिले चुमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। मानव मन को बना ले, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, दरिया सदा, पर्वत सदा, पवन सदा, भूमि सदा, तू बना तेरे निशान। पैदा हुए, बूढ़े हुए, चले गए, ऐसी जिंदगी फेंक दे। मानव जो मन को बना ले, बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौलाद के मंजिले चूमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। चलता बड़े नाम हौसले हिम्मत के, लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौलाद के मंजिले चूमे, कहे दिल से ना बहकू मैं। आवाज किए बिना चलो, पहले तू चुपचाप चलना कुत्ता।
कुत्ता जाग जाएगा। अबे कुत्ता जाग गया तो कोई बात नहीं, कुत्ते वाली नहीं जागनी चाहिए। चलो चलो अबे आवाज बंद कर। अरे वो यही है, फिर घड़े में पांव घुस दिया। मैडम जा गई यार, चलो 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 वहीं पे रुक जाओ। कितनी बार कहा है कि लेट नाइट मत आया करो, सबको डिस्टर्ब होता है। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आप हम लोगों से घर खाली करवाएंगी, यही फैसला है ना? लेकिन उससे पहले हमें आपसे कुछ हकीकत बयान करनी है। क्या है? गुरु नहीं नहीं, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। सच बताने का वक्त आ गया है। जिस तरह मैडम हमारे सामने कुछ भी नहीं छुपाती, वैसे हम भी उनके सामने कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुझे शर्म आ रही है। आपको सिर्फ इतना पता है कि हम देर से आ रहे हैं, जबकि हर बार आपके फिल्म देखने के वजह से ही हम देर से आते हैं। ये आपको कैसे पता नहीं चला मैडम? कैसे पता नहीं चला? आज भी हमने बड़ी मुश्किल से टिकट लेकर, आपने आदिवासी का जो रोल किया था ना, जंगली काम देवी थी ना, वो फिल्म देख के आ रहा है। फाड़ दिया मैडम, आपने फाड़ दिया। अक्षय कुमार की खतरों के खिलाड़ी से भी ज्यादा आपकी फिल्म बिस्तर के खिलाड़ी सुपर डुपर हिट है, यह खबर स्क्रीन में छपी है। नहीं मैडम, आप इस तरह शर्माइए मत। किसी चैनल वालों ने देख लिया तो उसे शूट करके मनोरंजन की दुनिया में पहली बार शकीला शर्मा रही है बोल के दिखाएंगे। ठीक है ठीक है, आज के बाद जब भी लेट आओगे तो मेरी पिक्चर देख के ही आओगे। अच्छा, ओके? गुड नाइट। कुछ ना कहो। आज तेरी बारी है नाश्ता तैयार किया कि नहीं? ऐसा क्या आज ये इतना अकड़ रहा है, आखिर बात क्या है? सुबह जब तुम जॉगिंग करने गए थे ना, तब ये यहाँ बैठा रोप झाड़ रहा था, तभी एक बकरा आकर खुद ब खुद फंस गया। कौन बकरा? जानते हो अपनी फिल्म के लिए वो यहाँ पर शकीला की डेट मांगने आया था, अपॉइंटमेंट दिलाने का वादा करके इसने उसे फंस लिया। ए, भांडा फोड़ के मेरा खेल मत बिगाड़ यार। 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा उसे काट काट कर खा सकते हैं। चुपचाप रहो वरना बकरा डर जाएगा। जय श्री कृष्ण। थोड़ा देर हो गई भाई। हाँ नमस्ते। ए, डायरेक्टर साहब कितना बोझ ढो रहे हैं, उसे हल्का तो करो। हाँ गुरु, मैंने बताया था ना, मीट द ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर शांति शाह, बहुत बड़े डायरेक्टर बने, ऑस्कर जीते, इसीलिए हमारे पास चांस मांगने के लिए आए हैं। मैं मैडम से बात कर रहा था ना। कब? अभी अभी। इन्हीं की सिफारिश कर रहा था। तुमने मुझे याद रखा, अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ, लेकिन लंच में क्या क्या लेके आना ये तुमने याद रखा है ना? याद रखा डायरेक्टर। आइए डायरेक्टर साहब। हाँ बोलो गुरु भाई। कहानी सब तैयार कर दी? हजी तक आई नहीं, ऐसी बहुत कहानी है मेरे पास। ओहो, मुकेश भाई ने बोला कि मैडम से मिलाएंगे, मैं उसी के इंतजार में हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा टाइटल क्या सोचा है? ये क्या? कामनागिन कामाग्नि पार्ट 2। जंगल में मोर नाचा, घोड़ा तेरा घोड़ी मेरी, बाहों में एक सुंदरी। हाँ बस 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 बस। शकी मैडम को कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं, एकदम मसालेदार सीन सुनाओ। 60 सीन है गुरु भाई। अरे वाह, एक फिल्म में 10 सीन भी रखोगे तो 6 फिल्में डब करके दिल्ली यूपी पंजाब में तहलका मचा सकते हो। नाश्ता रेडी है गुरु? कैंटीन। अपनी फिल्म में खुद ही हीरो बनना। रेनू बात सुन, चुप हो जा। आज तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, सुन रही है तू? क्या बात है, स्कूल बस नहीं आई? तैयार होने में देर कर दी गुरु, वैन निकल गई। तो क्या हुआ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये बात सुनिया, चल बैठ। बाय बाय। सोचा आज नागा करूंगी, लेकिन तुमने चौपट कर दिया गुरु जी। क्या बोल रही हो? आज स्कूल में कविता कॉम्पिटिशन है और देशभक्ति पर 4 लाइन में कविता सुनानी है, और मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हुई। बस इतनी सी बात है, फिक्र क्यों करती हो? बहुत बढ़िया कविता मैं दे दूंगा, उसे तू वहाँ पर सुना देना। हाँ? सच में? हाँ। सबके सामने मुझसे कॉमेडी तो नहीं कराओगे ना? अरे नहीं यार। अखाय। हाँ, कविता बोलो, कविता बोलो, कविता बोलो। कविता मैं क्या सुनाऊंगा? अरे ये क्या, कविता मुक्काला, ये किसने लिखा है? ये हिंदी मिस ने। अच्छा हिंदी मिस ने, अब बात समझ में आई। इन लोगों को कविता सुनाने के लिए तू इतना डर रही थी? कुछ भी बक देती यार। एक है हम तुम, बापू कहे सुन, मन के सपने बुन, चाय संग खाके बन। थैंक्स, इतना बस है गुरुजी, मैं ये सुना के सबको हिला दूंगी। बाय। एक है हम तुम, बापू कहे सुन, रेनू, रेनू, मन के सपने बुन, चाय संग खाके बन। जब कविता देनी थी तो कोई अच्छी कविता नहीं दे सकते थे? मातृभाषा हिंदी है,
वो बच्चों को ढंग से सिखानी चाहिए। उस स्कूल में ही गलत हिंदी लिखे रखी है, इसलिए मजाक में चार लाइन बोल दिया तो क्या हुआ। ए, इधर ला। ले लो मोटा भाई, तमें भी ले लो, रात में शुरू खावानू छे। ए, इसे कहो के मार्केट जाके बढ़िया सी मछली लाए और मस्त फ्राई करके रखे, चल जा। रास्ते में वाइन शॉप में जाके चार बियर ले लेते हैं, तू भी अपने क्वार्टर ले लेना। आज देर क्यों हो गई रेनू, और ये सब क्या है? ये बैग पकड़ो। इतनी देर क्यों लगा दी? ये पकड़ो। थोड़ा छुपको। ये सब किस लिए? सक्सेस, मैंने तुम्हारी कविता सुनाई, मुझे फर्स्ट प्राइज में ये मिला। कविता कंपटीशन में तुम अकेली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने समझा इसको डंडा पड़ गया होगा, लेकिन ये तो इनाम लेके आई है। जैसे ही मैंने तुम्हारी कविता सुनाई, ऑडिटोरियम में कितनी तालियां बजी पता? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक है हम तुम ये पंक्ति कहकर ये देशीय एकता को बढ़ावा दे रही है। बापू कहे सुन कहकर ये गांधीगिरी और अहिंसा पर जोर दे रही है। मन के सपने बुन चाय संखा के बन, इन पंक्तियों से ये क्या कहना चाहती है? क्या किसे पता? ये यही कहना चाहती है कि जैसे अब्दुल कलाम ने कहा है, भले ही तुम भूखे हो फिर भी तुम्हें सपना देखना चाहिए ताकि उसे हासिल कर सको। बाल कवियत्री का खिताब दिया मुझे हिंदी में, मैं खुद कविता लिख के उसे तुम्हारी शादी में सबके सामने सुनाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैडम। जल्दी ही एक अच्छी लड़की ढूंढो, ठीक है? बाय। मैं बस निकल रही हूँ श्वेता, तो मैं 10 मिनट में पिकअप कर लूंगी। बेसन नगर के गणेश जी के मंदिर ना? इस मंदिर को ऐसा वैसा मत समझना, इस मंदिर में पूजा करके 1998 में बैंकॉक में हुई एथलेटिक मीट में मैंने रनिंग टूर का खिताब जीतकर उसी रफ्तार से इंडिया पहुंच गया। क्यों, फ्लाइट के लिए पैसे नहीं थे? वो बंद कर कद्दू, कल होने वाले मुकाबले में जीतकर इस गुरु का नाम ऊंचा करना होगा। गुरु भगवान से प्रार्थना करके अपना स्टैमिना बढ़ाओ। जी गुरु जी। विजय, अबे बस करना गंजे। किसने कहा? तूने कहा? पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। मुझे बहुत दिनों से शक है। वेरी गुड, शागिर्दों के शक को दूर करना उस्ताद का फर्ज बनता है। किस में शक है, 100 मीटर्स में या 100 में? पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। पंडित जी जरा सुनिए तो। पंडित जी मेरे मन में 2 शंकाएं हैं। पूछिए। पंडित गण पढ़ा रहे हैं ये बालक बोल रहा है। सोचा था 300-400 लोग आएंगे, परंतु आप तो इकलौते पढ़ा रहे हैं। वास्तव में पंडित जी आ रहे हैं कहना चाहिए ना। कंटिन्यू। दूसरी शंका, अहिंसा का पालन करने वालों को क्या कहते हैं? अहिंसावादी। आतंक फैलाने वालों को क्या कहते हैं? आतंकवादी। सामाजिक कल्याण चाहने वालों को क्या कहते हैं? समाजवादी। बस तो मंदिर में मंत्र पढ़ने वाले आपको मंत्रवादी क्यों नहीं कह सकते? सुनने में आया कि हजारों साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मंदिर बनाया था। इसकी वास्तुकला से ये पता चलता है कि हमारे को प्रसाद खत्म होने से पहले लेके खा लेता हूँ। प्रसाद बात आ रही है तब तो ऐसा घटिया काम करेगा। हटो हटो हटो, हमें भी दीजिए ना। इन्हें तू शरीफ लड़के क्या कहता है? ये लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए हैं, प्रसाद खा के पेट भरने के लिए आए हैं। यहाँ पर है वो, देख छुप छुपा के खा रही है। अरे रुक जा। ये लो, तुम भी लो, सबको मिलेगा। चींटियों को दावत दे रही है।
लोग चीटियों पे दवा छिड़कते हैं, ये तो चीटियों को दावत दे रही है। कितना पुण्य का काम। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। रुक जा मेरे लाल। यहाँ ताली बजा के मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है। हे गणपति बापा, कल होने वाले स्टेट मीट में मेरा भैया शक्ति ही जीतना चाहिए। गुरु को हारना चाहिए। मेरा भैया शक्ति ही जीते। गुरु को हारना चाहिए। चीटियों को भोजन कराने वाली तेरे नाम को हजम कर रही है इसका तो। अरे रे रे रुक, मैं इसकी खबर लेता हूँ। अभी कौन है ये गुरु? तेरे भाई के साथ दौड़ने वालों के बारे में पता लगाया। कोई गुरु है, उसी के साथ कड़ा मुकाबला है। सुना, तेरे भाई को जीतना है तो उस गुरु को हारना पड़ेगा, इसलिए ऐसी मन्नत मांगी। ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं। मन्नत मांग रहे हैं। मन्नत? कैसी मन्नत? दाया हाथ आसमान की तरफ, बाएं पैर जमीन पर रख कर, आठ बार इस पवन पवित्र मंदिर को घूमने से हर मुराद पूरी होगी। तुम डुम 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 डुम, ऐसा गूंगा बाबा नाम का एक संत महाराज ने बोला है। इस मंदिर में मन्नत मांगने का यही एकमात्र तरीका है। आप भी कोई गुरु हारना चाहिए कहकर जोर जोर से ताली बजा रही थी ना। पंडित जी पधार रहे हैं, रास्ता दो। इकलौते पंडित जी पधार रहे हैं, रास्ता दो। रुको रुको, क्या कर रही हो? बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी स्वामी जी। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, इस प्रकार क्या कर रही हो? मन्नत मांग रहे हैं पंडित जी। इस तरह मन्नत मांगने से हर मुराद पूरी होती है कहा? कौन कह रहा था? गूंगा बाबा स्वामी जी। कैसी विचित्र बात है, गूंगा बाबा कैसे बोल सकता है? स्वामी जी, किसी ने इनको अच्छा मूर्ख बनाया है। तुम मुंह बंद रख। उधर जाने देखो। ए मुकेश, ये देख। क्या है गुरु? यही है शक्ति, इसे जिताने के लिए ही मंदिर में मेरी हार की मन्नत मांग रही थी वो चिकनी। कल दिखा दूंगा सबको। अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं विश्व विख्यात आनंद सिंघानिया, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी और खेल प्रेमी भी हैं। उन्हें देखो, ऐसे लोगों को चीफ गेस्ट किसने बनाया? हे, फोन देना। हेलो मिस्टर आनंद सिंघानिया। कौन? चीफ गेस्ट होके ऐसे मुंह बना के रखेंगे? कौन है? थोड़ा मुस्कुराइए साहब। कौन है तू? अभी फोन दीदी, इतना बोलने के बाद भी आप मुझे पहचान नहीं पाए ना? पता नहीं आप मेरे बाप बनके कैसे पैदा हुए। अभी पापा यहाँ लेफ्ट में देखिए। अच्छा। सभी प्रतियोगी इस समय मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। अरे यही है गुरु, इसीलिए जानबूझ के इसने हमारी खिंचाई की थी। अभी चुप हो जा, आके बैठ। दिल थाम के बैठ जाइए भाइयों और बहनों, प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। अरे मुकाबला किस बात का, अभी कप निकाल के उसके हाथ में दे दो। वो नंबर वन है क्योंकि वो मेरा चेला है। आजा 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 आजा
श्री आनंद सिंघानिया अपने कर कमलों द्वारा। वेल डन, इसने कमाल कर दिया, गुड। लक्ष्य की पहली सीढ़ी पार कर ली, कीप इट अप माय बॉय। दाएं हाथ आसमान की ओर और बाएं पांव जमीन पर रखने से डुम डु डु डुम डु डु डुम डुम डु डु डुम डु डु डुम डुम डु डु डुम डु डु डुम डुम डु डु डुम डु डु डुम। स्टॉप स्टॉप, निकालो कोच, वरना कोच के साथ हाथ निकल जाएगा। अरे मैंने तेरा कोच धक्का किसने दिया? अबे बैजा कर दू। जल्दी जल्दी कम पास, जल्दी आ, संभल के अभी ठीक से। श्वेता, तेरा भाई जीत गया, इसलिए ट्रीट तेरी तरफ से जरूर दूंगी। हम होंगे कामयाब। हेलो 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 बाबूजी। अबे यही बात कर। हेलो 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 हेलो। ए गुरु, रनिंग रेस खत्म हो गया, जीतने के बाद फोन करना चाहिए था ना। तो क्या है कि क्या है कि हेलो, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो, अरे बोलना गुरु बेटा। अरे बोलना गुरु बेटा। इस तरह अगर चिल्लाना ही है तो फोन यहाँ पे रखे, वहाँ दूर जाके बात कीजिए, उसे जरूर सुनाई देगा। क्यों, मजाक सूझ रहा है? उसने जरूर फोन को कान से हटा दिया होगा, इसलिए कह रही हूँ। हेलो। हाँ बोलो माँ। क्यों बेटा, जीत गए ना? नहीं माँ। ये कैसे हो सकता है? माँ अगर मैं जीत जाता तो क्या होता? पहले से ही जीते हुए 25 गोल्ड मेडल्स के साथ एक और मिला के घर में 26 मेडल्स हो जाते। लेकिन अब जानबूझ के हारने से एक परिवार का भला हुआ है। क्या बोल रहा है तू? आज इस मीट में शामिल होने के लिए यहाँ आके रात को उस हॉस्टल में रुक गया था माँ। बहुत देर बाद ऐसे ही उठ के देखा तो उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट शक्ति उस बेवक्त में भी कड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मन किया कि उससे बात करूं, इसलिए उसके पास चला गया। ये ले ग्लूकोज खा ले। शक्ति, अब प्रैक्टिस करना बंद कर, रात बहुत हो गई, जाके आराम कर। जा नहीं सकता, मुझे डर लग रहा है यार। पिछले 10 साल से सपना देख रहा हूं मैं। इस मीट में मुझे जीतना ही होगा, तभी स्पोर्ट्स कोटा में मुझे नौकरी मिलेगी। तू तो जानता है ना, पिताजी रिटायर हो गए हैं और घर का पूरा जिम्मा मुझ पर है। छोटी बहन की शादी करानी है, उसके लिए मुझे जीतना है। इस मुकाबले में मुझे जीतना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। टाइमर ऑन कर, जल्दी 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 स्टार्ट। तभी मैंने फैसला किया मां कि मैं उसे जिताऊंगा। मां इस बात की मेरे फ्रेंड्स या कोच तक को खबर नहीं है, वो सब मुझसे रूठे हुए हैं। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता हूं ना मां, इसलिए तुमको बता रहा हूं। बहुत बड़ा काम किया है गुरु, प्यार के अलावा किसी से तू मात नहीं खा सकता। मुकाबला हार के दिल जीत लिया बेटा। हाय। चीका कहाँ चली गई? ए, सुनो तो। Many more happy returns of the day. लीजिए आपके लिए। आप कलेक्टर अमरमणि की बेटी चंद्रमणि है ना? नहीं। सुना है आपके बाप को प्रमोशन मिला और चपरासी बन गए? नहीं तो? क्या? नहीं? कोई बात नहीं, फिर भी उसे बोल देना कि मैंने याद किया। गुरु, ओए, ये कौन है? तेरा रिश्तेदार है क्या? अभी तक तो नहीं, आगे की बात तो। आपसे सॉरी कहने के लिए आई थी। भगवान के सामने ताली बजा के मेरी हार की मन्नत मांग रही थी, और अभी देखो तो दुम दबा के माफी मांग रही है। इन लड़कियों को तुमने किस मिट्टी से बनाया राम जी?
अच्छा सॉरी किस लिए? आपके बारे में गलत सोचने के लिए। ओए, कॉलेज के बाहर कदम रखते ही हमने सबसे पहले क्या किया था? सुट्टा मारा था। अबे छी, वो नहीं यार, हम दोनों ने क्या कसम खाई थी वो बता। आज से औरतों की बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए 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 पियक्कड़ की बात होश आने पे गायब, लेकिन औरत की बात बोलते ही गायब। इसलिए 108 बार सॉरी सॉरी कह के लिख दोगी तभी हम यकीन करेंगे। इसलिए लिख के दो। इसलिए कितने इसलिए? चलाओ गाड़ी। रुक जाओ। क्यों? मुझे लिखने को कहा और तुम जाओ तो कैसे चलेगा? रुको मैं लिख के देती हूँ। अबे फ्लास्क में से पेपर निकाल रही है। किसी इतिहास की श्रृंखला लिख रही है वो। श्री गुरुभ्यो नमः। नाम अभिलाषा सिंघानिया। तालीम बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी। पसंद गुरु गुरु गुरु। पसंदीदा फिल्म मणिरत्नम की गुरु। पसंदीदा गायक गुरदास मान। पसंदीदा डायरेक्टर गुरुदत्त। पसंदीदा जगह गुरदासपुर। पसंदीदा पंछी गौरैया। सारांश, गुरु आजकल के जमाने में जब कोई दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं, अपनी जीत और शोहरत दूसरों के लिए त्यागने का मन किसके पास होता है? मैंने ऐसा सिर्फ एक ही आदमी देखा है, वो तुम हो। तुम सिर्फ नाम से ही नहीं वाकई गुरु हो, इसलिए मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी? तुम्हारा दिल मांग रही हूँ, मिलेगा ना? आके मिल ए जिंदगी, पूछेगी ना लगी। नील गगन ने बादलों शबनम सोए, नील गगन ने बादल ओढ़े बोलो पे जैसे शबनम सोए। इन होठों के सुर अकेले मिलके तेरे बोलों में खोए। इन होठों के सुर अकेले मिलके तेरे बोलों में खोए। आके मिल ऐ जिंदगी, बुझेगी ना लगी। ले मिलके ये कसम है हमदम ओ सनम। ना हो ना तुम डरना, नहीं बुलवा बुलवा सारे दुनिया को आज यही। बेका बेका मन अब से कहने लगा है ये सब से, मुझको मिल गया सब कुछ, अब मांगो ना कुछ रब से। सजा के हम दिल की दुनिया, वहाँ बजी जहाँ से करेंगे नशा प्यार का बढ़ता जाए, ये अफसाने फिर कुछ बढ़ेंगे। आके मिल बुझेगी ना लगी। ले मिलके ये कसम है हमदम ओ सनम। तुम आसमान में पूनम से सज रहे,
उधर से हो चल मारे मारे दिल लेके ये भिरा भिरा के संभल। मानती है तू वही होगा सामने न दिखूंगा तुमको, अरे सुन ले बात दिल की आंखें अब तो देखेगी हमको। किया है किसी ने तुझे भी जादू, क्या ये सच है तू ही परमा। खोया तुमने खुद पे काबू, क्या ये सच है तू फरमा। आके Dear students, see, there is an important theory today. गुरु, मुझे एक शक है। जरा सर से पूछो ना। मुझे क्या कोच समझ रखा है? तू ही पूछ। सर? Yes. एक छोटा सा doubt है। बैठे रहो, बैठे रहो। I like it. अब बोलो। इस फिल्म के खत्म होने के बाद बिट डालेंगे या इंटरवल पे ही डालेंगे? Nonsense. तुम MBA तक कैसे पहुंच गए? लंगड़ा लंगड़ा के सर। बिट के नाम से आप ऐसे चिढ़ क्यों रहे हैं? मलिका शेरावत राखी सावंत यही तो करते हैं, आपको पता है। वो बिट नहीं, हिट ग्लैमर आर्टिस्ट है। हाँ, आपकी नजर में तो वही ग्लैमर आर्टिस्ट है। मूर्ख कहीं का, तुम्हारा सुधरना नामुमकिन है। जब मास्टर जी होके आप नहीं सुधर पाए तो हम कहाँ सुधरेंगे। क्या बात है, क्या हुआ गुरु? कुछ नहीं यार, अपनी रेनू है ना। हाँ, लगा के वो अपने कॉलोनी के छत से फिसल के नीचे गिर गई और मर गई। ये तो क्या बोल रहा है? वो जगह पूरी तरह कोहरे से भरी हुई थी। तुम्हें बस ऐसे ही लगा होगा, चल आजा। नहीं, हेलो जी, जी मैं गुरु बोल रहा हूँ। बोलो गुरु जी। वो रेनू जी, वो बोलो ना। दरवाजे पे ताला लगाया कि नहीं याद नहीं मुझे, आप जरा देख के बताएंगे? देखती हूँ। लॉक किया है गुरु? थैंक्स। अच्छा, हेलो, रेनू नहीं है? वो यहाँ नहीं है गुरु, उसके स्कूल से एक्सकर्शन लेकर गए हैं। लौटने में 2 दिन लग जाएंगे। जाकर 1 घंटा हो गया, अभी तक तो निकल भी गई होगी। कुछ कहना था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हुआ? वो एक्सकर्शन पर गई है, 4 दिन बाद ही लौटेगी। तसल्ली हो गई ना, चल चल। क्या हुआ रेनू? टूर कैंसल हो गया, उस एरिया में बाढ़ आ गई है। ये क्या कह रही है तू? सब जगह पानी भर गया, इसलिए टूर अगले हफ्ते। इसके लिए मूड आउट होने की क्या जरूरत है? मम्मी तुझे एक सरप्राइज देने वाली हैं। क्या है माँ? रुक लाती हूँ। जा खेल।
जरा यहाँ तो। तेरे लिए गुरु अंकल का फोन आया था, उनका फोन लगा देती हूँ तो बात कर ले। हा? सब लोगों ने नोट्स ले लिए। ए मुकेश बोल बे। मोबाइल स्विच ऑफ करो। ऑल स्टूडेंट्स स्विच ऑफ योर मोबाइल। तेरे अंकल का फोन तो बंद आ रहा है, बाद में बात कर लेना ठीक है? ठीक है माँ। संभल के खेलना रेनू। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मेरे कपड़े भीग गए, चेंज करने के लिए कोई कमरा? श्योर मैडम, लीजिए। थैंक यू। हेलो सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब नमस्ते। एवरीथिंग इज फाइन?
यस सर, थैंक यू। अभी क्विक। गुरु। पापा। वैसा भी। ए, ए, तुझे तो बेशरम बन के इतनी गिरी हुई हरकत करती है, ऊपर से मुझे मुझे पापा बोलती है। क्या हुआ पापा? चुप कर। अब अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तुझे। आप अपना मुंह मत खोलिए। बस बस कीजिए। ए, तू? मैं कौन हूं? यही ना, वही जिससे आपकी बेटी की शादी होने वाली है। शादी? हम खुद आपको बताने वाले थे। अच्छा हुआ आप जान गए। अभी यहां क्या हुआ सर? स्विमिंग पूल पर इसके कपड़े भीग गए, चेंज करने के लिए यहां पर आ गए। जो आप समझ रहे हैं वो होता, वो भी दिन दहाड़े यहां आपके दोस्त के रिसॉर्ट में हम भला क्यों आएंगे जहां आपका आना जाना रहता है। सिटी में दूसरी कोई जगह नहीं है क्या? हुँ? पहले अभी से माफी मांगिए सर। आजकल की लड़कियों को बस कीजिए सर। आजकल की लड़कियां और उस जमाने की लड़कियां, किसी भी जमाने की लड़कियां हो, खुद साफ रहना चाहे तभी रह सकती हैं। हम ताला वाला लगा के रखवाली नहीं कर सकते। पहले इसे माफी मांगिए सर, माफी मांग लीजिए। जन्म देने वाले बाप को उसी की बेटी से माफी मांगने से ही छोड़ूंगा कह रहे हो, यानी उस हद तक तुम उसे चाहते हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया मिस्टर गुरु। अभी माफ कर दो बेटी। पापा। अपने घर वालों से बोलो कि रीति रिवाज से तुम्हारे लिए इसका हाथ मांगे। थैंक्स गुरु, थैंक्स। मेरे पापा से इस तरह बात करने की हिम्मत तुमको कैसे आ गई? कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया में मेरे बाप के अलावा दूसरा किसी और का भी बाप क्यों ना हो। बिल्कुल नहीं डरूंगा, हिला के रख दूंगा ना। तो तुम अपने पिता से कैसे बात करोगे? खुद हिल जाता हूँ। गुरु, कैसे? उसका हा? दूसरा तरीका है। ये लो। चलता हूँ साथ। कुरियर में क्या आया है? क्यों तत्व? कुरिया में आपका रिश्तेदार है तो हमको बताया तक नहीं। कुरिया नहीं रे, कुरियर। मेरे माता पिता को सादर प्रणाम। जीते रहो। बैठना। आपकी दीर्घायु के लिए अलग अलग मंदिरों में जाके स्पेशल पूजा करवाया, उसका प्रसाद इसके साथ भेज रहा हूँ। ये लो प्रसाद। सब एक ही दुकान से खरीदा है। ये बात है। हाँ जी। आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है वो? वो ये कि आपकी होने वाली बहू को मैंने चुन लिया है। हाँ? अरे ये क्या प्रसाद में बम रख के भेजा? उसे लाके आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये कैसे बेटे को पैदा किया तूने? आप तो ऐसे बोल रहे जैसे इसमें आपका कोई हाथ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, आजिजी के साथ, नम्रता के साथ, विनय के साथ, पूरी इज्जत के साथ। आप वो किसी लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, अब अलग से इसके साथ उसके साथ बोल के लिख रहा है। बड़ा आया प्यार करने वाला। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद। आप फौरन जाके उसे अपने साथ पकड़ के ले। अभी जाता हूँ। अपने लोगों को इकट्ठा करके बस का इंतजाम कर। अरे शहर में जाके फैसला करके ही आएंगे। चलिए ना दादू, चलिए। आ जा सब लोग इधर आ जाओ। ये सब हथियार किस लिए? उनसे निपटने के लिए बाएं हाथ काफी है, फिर भी सेफ्टी के लिए हथियार ले जा रहा हूँ। हेलो, हम दद्दू का साथ शहर जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। चलो आ जाओ सब लोग आ जाओ। अंकल जी, सुनामी आ गई है। अरे यहाँ कौन है? आनंद सिंह का दिया। कहाँ हो?
पूछ रहे हैं ना, जाके अपने मालिक को बुलाओ बुड़बक। Shut up! What nonsense are you talking? किससे बात कर रहे हो जानते हो? शक्ल सूरत तो देखो, गवार कहीं का। अरे चुप रहो। How do you, madam? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए समधी जी। कौन किसका समधी? वही तो। पढ़ने लिखने के लिए आए लड़के को पकड़ कर जेब में डाल के समधी कह रहा है समधी। बाबूजी। हाँ मेरा बिटुआ। अरे बाहर निकालो हमार बिटुआ को। ए गुरु बेटा। यही मेरी बेटी है। गुंडों को साथ लेके फसाद करने आए हैं। अभी शराब पीकर धमाल मचाने आए हैं। अभी मेरी बात तो सुनो। आप चुप रहिए पापा। किसे किसे कह दिया शराब पी के आया है? आप ही को बोल रही हूँ। अभी देखिए, आपके साथ कोई शराब पीकर आया है, पहले उसे बाहर निकालिए, अभी उसके बाद आराम से बात करिए। हमारे ग्रुप में किसने शराब पी है? जिसने भी पिया है उसे बाहर निकाल दो। अब बोलो क्यों क्यों बत्ती से दिखा रही हो? मुड़ के जरा देखिए। दादू, जब आपस में घोड़ा बेच के सो रहे थे तब रास्ता में बस रोके इन लोगों ने पूरी वाइन सब खाली कर दिया ना, आप इज्जत का कबाड़ा कर दिया। आपके बेटे गुरु ने मुझसे झूठ बोला कि आप शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, अच्छे खासे सांस्कारिक हैं। अब मुझे पता चला कि आप एक शराबी कबीले के मुखिया है। पापा, मुझे इनका बेटा नहीं चाहिए पापा। कोई शरीफ लड़का ढूंढिए। मेरा बेटा कौन है जानती हो? वो खड़ा हो जाए तो चट्टान, चलो तो तूफान, सो जाए तो समंदर, पलक झपकाए तो हुक्म है। उसके जैसे लड़के को पति बनाने के लिए कितनी कुवारी लड़कियां मंदिरों में मन्नत मांगती हैं बताए। उससे बेहतर पति तुम्हें मिलेगा क्या? अरे बीच में मत डाल। इतनी तारीफ कर रहे अपने बेटे की, सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें खुद कोई फैसला लेने की काबिलियत नहीं है। किसने कहा काबिलियत नहीं है? वो जो भी फैसला लेता है वो 100% सही, सच्चा और पक्का फैसला होता है। नहीं ले सकता। ले सकता है? नहीं ले सकता। अरे ले सकता है। तो फिर मुझसे शादी करने का उसने जो फैसला लिया है वो भी सही होना चाहिए ना? बिल्कुल। हो गया ना छुट्टी। बाप रे, तो फिर हमें आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हमें याने? मुझे और आपके बेटे को। कहाँ है वो? इतना देर तक यहाँ छुपा था? अरे एक्टिंग तो सभी करते हैं लेकिन इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। दद्दू, ये तो राम बनाया जोड़ी है। लड़की ने बेटा तो बेटा, बाप पर भी जादू कर दिया। आप कहाँ सोच रहे हैं? आशीर्वाद दीजिए, शहर में आए हैं, जाके शॉपिंग वॉपिंग करेंगे ना। तेरे जैसे अक्लमंद लड़की को तूने चुना है। जीते रहो जीते रहो। Please, 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 please,
क्या हुआ साहब? पास के गांव वाले आगे हाईवे में चक्का जाम करके रखे हैं। हमें किशनगंज जाना है, और कोई रास्ता है? ऐसे पीछे जाकर लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे तो बाईपास रोड मिलेगा। ठीक है, पीछे ले लो, पीछे लो। आंदो, 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 आंदो। ए, 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 रोक 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 रोक, लगता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ बहन जी? जी गाड़ी खराब हो गई है, हमें फौरन गांधीग्राम पहुंचना है। आ जाओ, हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं। गाड़ी ठीक करके आ जाना। बैठ जाओ। जी शुक्रिया। रुकिए रुकिए, आप इधर से जा नहीं सकते। सर यहाँ पर पिंक कलर की एक लग्जरी बस आई थी। पता नहीं साहब, इधर आने वाले सब गाड़ियों को हम वापस भेज रहे हैं। तुमने हम सब लोगों की जान बचाई बेटे, बेटे, बेटे। इसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। यह कोई मानसिक रोग या शारीरिक रोग नहीं है, यह आपके अंदर छुपी हुई एक एक्स्ट्रा पावर है। इसे ईएसपी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब मिसाल के तौर पे हम किसी की तलाश में जा रहे हैं तो वो खुद सामने से आ जाए, या फिर किसी के बारे में सोचो तो उन्हीं का फोन आ जाए। इस तरह के सेंसरी पावर से आपके अंदर ये पावर कुछ ज्यादा है। रिलैक्स। बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर, इतना आसान नहीं है। शाम को जब आप घर जाते हैं तब आपके बेटे या बेटी को किसी एक्सीडेंट की वजह से चोट आई है, ये बात आपको पता लगने पर थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसके कुछ देर बाद आप शांत हो जाएंगे। लेकिन वही एक्सीडेंट अगले दिन होने वाला है, ये आपको पहले से पता चल जाए तो बताइए आप किस तरह शांत रह पाएंगे। डॉक्टर, हर कोई जानना चाहता है अपने आने वाले कल के बारे में, लेकिन उससे अनजान रहना ही जिंदगी का बेहतर पहलू है। फिर भी आपको जो भी एहसास होता है वो यकीनन होकर ही रहेगा। इन अदर वर्ड, जो होने जा रहा है सिर्फ उसी का एहसास होगा कहना ही बेहतर होगा। वो अगले एक घंटे में हो सकता है, या एक दिन में हो सकता है, या फिर एक महीने के अंदर भी हो सकता है, बट वो होकर ही रहेगा। मैं होने नहीं दूंगी, हरगिज होने नहीं दूंगी। जन्म देने वाली माँ की मर्जी के खिलाफ बहू पसंद कर आया वो ससुर जी। मौत से बच के आए हो इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ। आइंदा तुम में से कोई भी इस चौखट पर कदम नहीं रखेगा।
अब जाओ, सब लोग जाओ, कहाँ ना जाओ। भैया आप किधर जा रहे हैं? अरे हम खुददार हूँ, आइंदे इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। हाँ। सब आपके कारण हुआ, फौरन जाके उसे लाने को कहा तो रिश्ता पक्का करके आ गए। हाँ आजा, आजा, तेरे कजरारे नैना को मैं और कजरारा बनाती हूँ, तुझे तो जो गया काम से। अब मालकिन हम सहा नहीं गया क्या? था अब तो झूठ भी बोलने लगा है। अरे हंडा उठा रहे हैं, ये पड़ा तो कपार फूट जाएगा। रिश्ता पक्का करके आ गए। हेलो माँ, मैं गुरु बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब, मेरा नाम भाग्य लक्ष्मी है, बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, गाँव की गवार हूँ। ऐसे क्यों बात कर रही हो माँ? अब बात करने को बचा ही क्या है, बोलिए। आपने लड़की पसंद कर ली और आपके बापू ने रिश्ता भी पक्का कर लिया। कहा था ना कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सब झूठ था ना। मैं एक पागल हूँ, मैंने सोचा मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की ढूंढकर पसंद करूंगी, ऐसा सपना देखा करती थी। लेकिन आपने तो खुद ही किसी लड़की को पसंद कर लिया। नहीं माँ, जैसी तुम चाहती हो वैसी है वो, बहुत समझदार लड़की है माँ। अब रहने भी दो, जब खुद के पति और बेटे की नजर में ही मेरी कोई इज्जत नहीं तो आने वाली लड़की मुझे क्या इज्जत बख्शेगी। माँ माँ, फिक्र मत करो, अभी फौरन गांव चले जाएंगे हम दोनों। अरे आजा 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 गुरु आजा, अरे गुरु आजा आजा आजा। अरे कहे बैठा है वो लोग? आया भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ब्रदर, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते ब्रदर। अबे मुंह का देखता है, सबको ठंडा पिला, सफर करके थके होंगे, सब ठंडा पी लीजिए ना भैया। टेक्निकल मौका है, भूल गया था, तूने याद दिलाया। सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी भाई बहन है कि जोरू मरत है? हाँ साहब, पहले घर चलते हैं फिर बात करेंगे। आप घर नहीं जा सकते, मालकिन गुस्सा में है, आप सब अवस्थी जी का घर मत ठहरेंगे। अभी भी गुस्से में है क्या? हाँ बहुरानी, मालकिन तुमका इस कपड़े में देखेंगे तो तांडव मचाएंगी। बदल देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी कहाँ करने जा रहे हो? वहाँ देख। अरे वाह, ये तो हमारे गांव की चंपा, चमेली, कुसुम, बेला, फूलवती जैसी लग रही है। उन औरतों में सबसे ज्यादा गोरी खूबसूरत जो है, जय माता दी, वही मेरी माँ। आंटी, क्या कर रही हो? ये आंटी वांटी छोड़कर जैसे मैंने सिखाया वैसे, हाँ जी माँ जी वो जी ऐसे फॉलो। अच्छा जी, फॉलो मी। अरे जाओ 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 जाओ। अरे मल्लिका, तेरी छोटी बहन घर में अकेली है, जरा मरा दारू में धुत होके घर गया है, कहीं ऐसा ना हो बहन सौतन बन जाए, इसके पहले तू घर चली जा फौरन। अच्छी बात। हाँ हाँ शुरू हो जाओ ना। गाना बजाओ। बाटी बनाएगी, उसे कहो कि वो नीचे रख दे। नीचे रखिए। ये कौन है माजी? आपके रिश्तेदार हैं? लगाओ। ये ले। अच्छा तुम कहाँ लगाओगे, मैं ही लगा लेता हूँ।
माँ जी इनको क्या तकलीफ है? ये बात सुन, माँ मुझसे रूठेगी और मैं मनाऊंगा। ये हमारा घरेलू मसला है, तू कौन होती है? माँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसे नीचे रख दे। क्या लगा रखी है मामा? गाना बजाओ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, गुरुजी रहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के धूम। चाहे तो कितना भी मक्खन लगा दे, किसी ऐरे गैरे से शादी करने की मैं मंजूरी नहीं दे सकती। चलता बन यहाँ से, चलता बन। अरे छोड़, ए गोपाल। माँ जी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मालकिन ये प्रसाद देने का दुनिया है, साइज ठीक है तो ऑर्डर कर दूंगा। दिखाइए ये किस लिए? हर साल मंदिर में दर्शन करने आने वाले गरीबों को हमारी तरफ से प्रसाद बांटते हैं, उसके लिए है ये दुनिया। इसमें प्रसाद देंगे? इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा क्यों नहीं है? यहाँ मंदिर में किस तरह के लोग आए हुए हैं इस त्योहार में भाग लेने के लिए, जो कल से आए हुए हैं। सत्य वचन। उनको इसमें प्रसाद देने के बजाय इस त्योहार के दिन में भी, जिसके नसीब में अच्छा खाना नहीं है, ऐसे मुसीबत के मारे बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उन सबको बुला के दावत देंगी तो वो पेट भर खाना खाएंगे और आपको दिल से दुआएं देंगे। इतने सालों से ये बात मुझे सूझी ही नहीं, अच्छा आइडिया है। ये लो। ए मुकेश, हमारे लिए टिफिन भर के रखा है ना? अरे तेरा मुंह क्या टिफिन से कम है, ये भर ले। अरे आ रहा हूँ ना भैया, काहे को हल्ला मचाता। कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया हुआ मालकिन, लेकिन हमरे मन में एक कमी रह गई। वो क्या है? रिकॉर्ड डांस होता तो बहुत बढ़िया। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। इतना बढ़िया खाना हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया है, सिर्फ पेट ही नहीं दिल भी भर गया। आपको कोड़ी कोड़ी पुण्य मिलेगा। चलती हूँ मालकिन। सुनो। जी मालकिन। ए लड़की इधर आ। तुम्हारी दुआ की असली हकदार तो ये लड़की है। सदा सुखी रहना बीबी जी। आदमी को कितने भी रुपए पैसे धन दौलत दीजिए, कभी उसका पेट नहीं भरता। उसका पेट भरता है तो सिर्फ भूख मिटने से। भूखे को भरपेट भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है ना माँ? इतनी बड़ी बात ये किसे सुना रहा है? पूछ रहे हैं ना। अरे बता रहे ना, दुनिया भर के लिए पुण्य का काम करके अपने औलाद पर ज्यादती करिए ना, इसका इंसाफ मांगने के लिए है ये बड़ी बात। ए तू मुंह बंद कर। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है मैं नहीं जानती, कितनी सुंदर और सुशील है और ऊपर से समझदार भी। ऐसी किसी लड़की को पसंद करते तो भी मैं मंजूरी दे देती। किसी अनजान लड़की को तू पसंद करेगा तो क्या मैं मान जाऊंगी? हाँ मालकिन। क्या है? वो लड़की ही ये लड़की है। क्या मतलब? ये लड़की ही वो लड़की है, दोनों एक ही है। कभी कभी अभी भी जिंदगी में कोई अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है आज, क्योंकि आज मेरी अभी Thank you.
ना। मेरी बहू का खूब ख्याल रखना बेटा। मैं आज अपनी बेटी के उडबी यानी मेरे दामाद का आप सबसे परिचय कराने वाला हूं। वो बस आते ही होंगे। प्लीज वेट। बोलो कहाँ हो तुम? एक दोस्त के साथ ओल्ड सिटी में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ जरूरी काम है। पापा और उनके दोस्त सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज इतना इम्पोर्टेंट डे है और तुम? ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा एक दोस्त मुसीबत में है। गुरु गुरु तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम दोस्त के साथ बाहर हो? बोलो गुरु, मुझसे झूठ क्यों कहा? जवाब तो, झूठ क्यों कहा? मैं आना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। बस ना, अब जाओ। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। क्या है गुरु, क्यों बिगड़ रहे हो? नहीं वो ये हमारे आपस की बात है, आप बाहर जाइए प्लीज। अभी लगा तुम दोनों लड़ रहे थे इसलिए आई। मैंने कहा ना बाहर जाइए। चली आती है बिन बुलाए मेहमान की तरह। ए! मार दो, जान से मार दो। तुम्हारे हाथ ही मारना चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है ये ना मैं उसे समझा सकता हूँ और ना ही वो समझ पाएगी। यहाँ पे गुजरने वाला हर पल मुझे डराता है कि कहीं मेरे हाथों से उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए उससे दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। Oh.
अंधेरी में एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस भेजने का। कहाँ जाना है साहब? ये तो रखने का, चल। चेन्नई का एक टिकट देना। नो स्मोकिंग। भैया आपका सामान कहाँ है? नहीं 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 नहीं, सिगरेट नहीं, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, सामने इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं देता। अरे टीटी साहब, किसके मुंह लग रहे हैं हा? आप इस पे फाइन ठोके ना। मामू, कोई फर्स्ट क्लास या एसी में बर्थ मिलेगा? कोई चांस नहीं, जनरल बोगी में जाइए। घूरिए मत साहब, जाइए। 110 यात्रियों के लिए बने डब्बे में 1,25,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं, आप भी जाके शामिल हो जाइए। कौन है आप? क्या कर रहा था? सुडोकू। पटक से पीछू मार के सुडोकू बोलता है? टिकट। टिकट को क्यों बुला रहे हो? क्या है? नमस्ते, तुम यहाँ कैसे? थामा थामा, मैडम यहाँ क्या हुआ इसको बोलो। मैं अकेली हूँ जानकर इसने मेरे पीछे हाथ मारा सर। मैंने क्या चीज है, उसकी जगह मैं होता तो मैं कुछ ज्यादा ही करता। उल्टी सीधी बात नहीं सोचने का, इसके साथ क्या करना है वो बोल। स्टेशन में उतार के रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपना सामान उठा। महिलाओं की इज्जत करना सीख बे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अनरिजर्व। नो सर, वेट अ मिनट, इस टिकट पर आप सफर करेंगे। सर प्लीज, इसकी खिदमत मैं करता हूँ। चल बे। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, ये तो आप उनका फर्ज था। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं चेन्नई तक मैं कैसे सफर कर पाती। हेलो। और आप? अपन मुंबई टू चेन्नई। मेरा नाम नमिता है, मैं चेन्नई जा रही हूँ जॉब ज्वाइन करने। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, एक जोक याद आया इसलिए अपन हंसा। कैसा जोक? समझ लीजिए, आप जंगल में जा रही है बिल्कुल अकेले, सामने से शेर आया लेकिन उसने आपको नहीं खाया। वो कैसे? बताइए कैसे? आपकी खूबसूरती पर वो भी फिदा हो गया होगा। एक्चुअली इस नॉवेल के आई थिंक पांचवे चैप्टर में, आई थिंक पेज नंबर 126 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। वो क्या है? Ha
जान सुरमय रसमय मधमय तुझको सुन सुना है फेवरेट एल्बम से हूँ मैं एक डीजे जान सुरमय रसमय मधमय तुझको सुन सुना क्यों क्यों तू मालूम मंडो क्लोनिंग से और जेनिफर लोपेस के स्कैनिंग से वन डे बेबी गर्लफ्रेंड मेरी बनेगी तू मैंने मंडो क्लोनिंग से और जेनिफर लोपेस के स्कैनिंग से वन डे बेबी गर्लफ्रेंड मेरी बनेगी हो रॉकेट रॉकी रंगीली तुम चाहते हो वैसे मन चली हे सैटरडे नाइट पार्टी का पार्टनर बनेगा हे सैटरडे नाइट पार्टी का पार्टनर बनेगा हे फेवरेट एल्बम से हूँ मैं तुझे जान सुरमय रसमय मधमय तुझको सुन सुना है फेवरेट एल्बम से हूँ मैं एक तुझे जान सुरमय रसमय मधमय तुझको सुन सुना तू मालूम मंडो क्लोनिंग से और जेनिफर लोपेस के स्कैनिंग से वन डे बेबी गर्लफ्रेंड मेरे बनेगी Yeah!
सर आपको कहाँ जाना है? शहर में सबसे बड़ा होटल जो है वहाँ लेते हैं। वेलकम सर। प्लीज तेरा हिसाब किताब लौटने के बाद। ए अभी कम ऑन ओके डोंट वरी बेटा सब ठीक हो जाएगा। यस सीबीआई से कोई आया है। सीबीआई प्रताप तुम सीबीआई बोल रही थी? पर सर ने तो ऐसे ही कहा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ इसलिए शॉर्ट में सीबीआई बोला। मैं तो घबरा गया था। आइए। आहा। और बोलो कामकाज कैसे चल रहा प्रताप? कुछ खास नहीं साठे। बैंक की नौकरी है ना, महीने में 30,000 पगार। तुझे महीने में 30,00,000 भी मिले तो बस नहीं होगा। कैसे बस होगा साठे? बस कैसे होगा? बिंदास रहने का आदत जो पड़ गया है ये बस नहीं होता। तभी तो फॉरेन में रहने वाले इंडियंस के बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं उसे तुम जैसे लोगों के पास रोटेशन में देके कमा रहा हूँ। सॉरी ऐश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसे लेते वक्त जो गर्ज होती है वो लौटाते वक्त किसी में नहीं होती। अब तू कौन सा अलग है? ये बताओ आज रात को कॉमेडी को बुक करूँ क्या? अरे 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 बात मत घुमा साठे। 1.5 करोड़ जो तुझे लौटाना है वो 1 हफ्ते में बैंक में भरने होंगे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, दुकान में भी धंधा मंदा है। तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, एकाएक जोश में आ जाते हो और फिर सीधे उंगली से घी कहाँ निकलता है साठे। तकलीफ में हूँ, धंधा मंदा है कह रहे थे। ये सब 2 नंबर का सोना है ना। इसकी कीमत कोई 4.25 करोड़ की होगी ना? एकदम सही कह रही हो, तुम तो असली सीबीआई से भी खतरनाक हो। पूरे के पूरे ले लो। नहीं नहीं 1 हफ्ते में कल ही दे दूंगा। अब जाओ। बोल गुरु। खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। I love you. आओ। पाओ पाओ। पाओ पाओ। Come on, come on, come on, come on now. अंदर आओ ना। Come on, come on, come on now. ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार आए हो? हम दोनों को साथ देखे पापा कितने खुश होंगे पता है? पापा पापा
क्या गमे गुरु है? तो ये है पापा। आप कहाँ चले गए थे? आपने कोई गलती नहीं की होगी, आप हमेशा समझदारी से काम करते हैं। अभी नहीं कोई गलती की होगी सोचकर मैंने इसे डांटा। पापा पुरानी बातों को फिर से याद क्यों दिला रहे हैं? ओके गुरु टेक केयर। चलो गुरु। ओके जाओ। बाय पापा। बाय बाय। गुरु ये तुम्हारा कमरा है, शकीला के घर वापस जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हारा सामान मंगवा लिया है, आज से तुम यहीं पर रहोगे। 2 मिनट अभी आई। अच्छा तो इस कहानी में शकीला नाम की भी कोई है? गुरु ये लो, गांव के मंदिर का उत्सव का डीवीडी आया है, चलो देखते हैं। नहीं जल्दबाजी मत कर, अपने दोस्तों को देखो, खूब मजा किया। गुरु तुम्हारे मम्मी और पापा की जोड़ी सुपर जोड़ी है, बिल्कुल हमारी तरह। ये क्या चमत्कार है प्रताप? वो बहू तुम जैसा ही है। अब क्या करने वाले हो? खूबसूरत लड़की और बेपनाह दौलत उसी के पास शोभा देती है जो ऐश करना जानता हो। मैंने फैसला किया है कि मैं दोनों का लुत्फ उठाऊंगा। दौलत और खूबसूरती जहां ज्यादा है वहां खतरा भी ज्यादा है। आनंद सिंघानिया कोई मामूली आदमी नहीं है, हिंदुस्तान के टॉप 10 दौलतमंदों में एक है। पकड़ा गया तो गया काम से। अरे 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 कैसे पकड़ा जाऊंगा साठे? ये बात तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक मैं और एक तू। मैं तो इतना भी पागल नहीं हूँ कि अपने आप को पकड़वाऊं। लगता है इसे मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं। मुझ पे भरोसा नहीं है साठे, मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं जोश में आ गया तो मैं क्या करता हूँ ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये तू जानता है ना साठे। ब्याज का धंधा करता है तू, फोकट में बिल्कुल मत करना। हमेशा की तरह रोटेशन में जितना चाहिए मुझसे ले ले, यही हमारा सौदा है। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म लगे हुए हैं। तो फिर चलो साठे। संभालना प्रताप। प्रताप नहीं गुरु, गुरु गुरु गुरु। गुरु 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 गुरु। गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो। शकीला के वहां से तुम्हारा सामान ले आए हैं, एक बार चेक कर लो। आधे घंटे में तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज जाना है। कॉलेज? ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अपन के लिए सम्मान समारोह रख रहे हैं, खिताब भी देने वाले हैं। शानो शौकत आके बड़ा बनने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन एक तुम हो हमेशा से बड़े दिल वाले हो। बकवास बंद कर और उस घोड़ी को वहीं पे छोड़कर सीधा कॉलेज पहुंच जा, नहीं तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं। गुरु, गुरु की डायरी। या मंच पे बेहतरीन कलाकार, मैदान पर बेहतरीन खिलाड़ी, क्लास में बेहतरीन छात्र, हमारा अपना गुरु कविता सुनाने में माहिर है। इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट कविता सुनाते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ऑल इंडिया लेवल में नाम कमाने वाले इस गुरु को हम अपनी कॉलेज की तरफ से एक बहुत बड़ा किताब देने वाले हैं। वो किताब क्या है आप जानते हैं? गुरु क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सबसे बड़ा खिलाड़ी। हर मंजिल पर कामयाबी आपके कदम के लिए। आइए आइए, दो अल्फाज कहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके आगे क्या बोलना है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूं। अरे अरे रुकिए गुरु, रुकिए। गुरु की खासियत यह है कि इन्हें आप कोई भी सब्जेक्ट दीजिए, 10 सेकंड के अंदर वो उस पर कविता सुनाएंगे। यही इनकी काबिलियत है। कॉलेज के विद्यार्थियों ने यहाँ पर एक मुकाबला रखा है, उन्होंने ऑडियो विजुअल के जरिए कुछ सब्जेक्ट्स बनाए हैं
जिसका हम प्रोजेक्शन करेंगे। हर सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते ही हमारे गुरु उस पर कविता सुनाएंगे। यही आज के इस समारोह का हाईलाइट है। साठे, तुम घबराओ मत, मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। बाहर जाने को किसने कहा? आई पहले स्टेज के पीछे आओ। स्टेज के पीछे? चलो जान बची लाखों पाए। अरे साठे, कोई रास्ता बताओ। इधर से एक रास्ता है, चलो चलते हैं। अरे हालात को संभालने का रास्ता पूछा मैंने। भांडा फूटने से पहले चलो पतली गली पकड़ते हैं। नामुमकिन। साठे, मैदान में उतरने से पहले क्या करना है, कैसे करना है, हजार बार सोच लो, कोई बात नहीं। लेकिन मैदान में उतरने के बाद एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि क्यों उतर गए, कितना कुछ किया है। इतना भी नहीं करूंगा, पहले अपने वाला दम निकाल। अब चले मुद्दे पर। स्टार्ट। सुनहरा चेहरा काश भरा, वही ना, काश तुम होती फूल जो सुनहरा, काश तुम होती फूल जो सुनहरा, हर पल मैं मंडराता तुम पर बनके भंवरा। दूध का टैंकर। जिए तो दूध, मरे तो दूध, जिए तो दूध, मरे तो दूध, दूध के टैंकर में मरे तो दूध ही दूध। अभिलाषा। अबे नवाब क्यों बन रहा, ठीक से बैठ। कविता क्या है मैं नहीं जानता। ये बात तुझे घर में पता नहीं चला, मंच पे आने के बाद ही पता चला क्या? बेटा तू बाहर तो आ जा। छूट गया ना छक्के। कविता क्या है मैं नहीं जानता, ए हसीन दिलरुबा, सिवा तुम्हारे कविता क्या है मैं नहीं जानता। देखा हमारे बच्चे को। शुक्रिया शुक्रिया गुरु। अब क्या है? तीन ही तीन अक्षर में बढ़िया एक कविता सुनाओ, देखते हैं तेरा बाप बोलेगा। तीन अक्षर में कविता, तेरा बाप बोलेगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा। तीन अक्षर में कविता मैं बोलूंगा। बोलूं क्या? ममता। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है कविता। इस शोरूम में भी डिस्काउंट है। मेरा सिलेक्शन तुम्हें पसंद नहीं, अब तुम्हें कुछ सेलेक्ट करो। हे अभी भैया अभी। हाय श्वेता। हाय श्वेता। हाउ आर यू? हाय शक्ति। बस ऐसे ही शॉपिंग के लिए आए थे। ओ, क्या बात है, गुरु बात नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं है गुरु, तुम जानबूझ के आ रहे, ये बात वो लोग नहीं जानते। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? आके जस्ट एक हाय बोल दो ना। हाय। सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था। इट्स ओके। हाय। हाय। और फिर शादी कब करने वाले हो? ये क्या करो, भाई बहन को जाके तुम मैंने क्या गलत पूछा? एक गुजराती ने पूछा तमारो दिखरा दिखरी नो लगन क्या रहे छे। ये कैसी बेतुकी की बात है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है? दिक्री ना लगन। दिक्री दिक्री लड़की। ओह। दिक्रा नो लगन, दिक्रा दिक्रा लड़का। शादी हो जाती है, क्यों हुई कि नहीं? वाह। ठीक इसी तरह लड़के की शादी हुई कि नहीं, लड़की की शादी हुई कि नहीं, अलग अलग पूछने के बजाय एक साथ पूछ लिया, दिक्रा दिक्री नो लगन। अदरवाइज तुम दोनों भाई बहन हो, ये बात क्या मैं नहीं जानता? हमारी छोड़िए, जल्दी अपनी शादी की न्योता भेजिए, चलता हूँ। सी अभी। बाय बाय गुरु। अभी तक मेरा ड्रेस सेलेक्ट नहीं हुआ है, चलो सेलेक्ट कर दो। कितना कुछ किया है, इतना नहीं करूंगा। Thank you.
ये कैसी है? नाइस। मैडम, थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे अभी? हाँ? ये क्या पैसे दिए बगैर जा रही हो? भूल गई क्या? ये क्या गुरु, मजाक कर रहे हो? ये अपना शोरूम है। अपना शोरूम है? क्या गुरु, क्या सोच रहे हो? धंधा अलग, रिश्ता अलग। दोनों को मिला के दही नहीं बनाना चाहिए। आज तुम बिल दिए बिना चली जाओगी, कल ये देख के कोई और। इस दुकान के तो हम कैशियर है ना, इस तरह कैशियर, सेल्समैन, मैनेजर सब लोग ऐसा ही करने लगेंगे तो क्या होगा? बाहर धान धर्म जो मर्जी में आए करो, लेकिन बिजनेस में एक रुमाल का भी हिसाब होना चाहिए। बोल दिया। सर सर रहने दीजिए सर। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा। गुरु, गुरु नीचे आओ ना, नीचे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे आओ तो सही, चलो। नो 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 नो, एक्शन लेना ही होगा। गुरु, मेरा होने वाला दामाद। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। शोरूम में जो कुछ हुआ अभी ने मुझे बताया, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। कैसा फैसला? सारा का सारा कारोबार अगर आप मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। इसलिए अपनी सारी जायदाद अपने होने वाले दामाद यानी आपके नाम लिखवा दी है। मैं आनंद सिंघानिया, वल्द स्वर्गीय रामेश्वर सिंघानिया, अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी चल एवं अचल संपत्ति मेरे होने वाले दामाद गुरु प्रकाश सिंह उर्फ गुरु वल्द सूर्य प्रकाश सिंह के नाम दिनांक 14 मई 2009 को करता हूँ। मुश्किलें कहीं सब देखे चले, दिल की सब जमी पर फुहार अब। सोनपरी मिल गए, मोरा पूरी कर गए। सोनपरी मिल गए, मोरा पूरी कर गए। झूमते बादल बन हम खो जाए, प्यार संग पैसा भी खेल मेरे मन का। आ जाके और चल खेले। सोनपरी मिल गई, पूरा पूरी कर गई। झूमते बादल बन हम खो जाए। You're my diamond girl, my diamond, diamond, diamond girl. I love to see you smiling girl, yeah. Smiling, smiling, smiling girl. You're my honey girl, my honey, honey, honey girl, my diamond, diamond, diamond girl, you're smiling, smiling, smiling girl. Every time I look into her eyes, I get butterflies. I'm so glad she's with me and not other guys. I like to see another tribe, but she's my wife. Yeah, yeah, I'm living the high life. Mushkile gayi sab dekhe chale, dil ki sab zameen par puhar ab. Mushkile gayi sab dekhe chale, dil ki sab zameen par puhar ab. Mushkile gayi sab dekhe chale, dil ki sab zameen par puhar ab. Mushkile gayi sab dekhe chale, dil ki sab zameen par puhar ab. Pyaar do. जन्नत की बहार में रहे हम, मिले दिल को मस्ती भी मुलायम। काल में दौलतों की कसम, मेरी तू प्रियतम, मंजिल दूर हो बलम, मुझको थाम हर कदम। सोनपरी मिल गई, मोरा तूरी कर गई। झूमते बादल बन हम खो जाए, प्यार संग पैसा भी खेल मेरे मन का। आ जाकी और चल खेले। Let me break it down, I'm taking the top spot. She does
doesn't know it, but I got a soft spot. I got love for the money, and of course, well, I've got love for my honey. She's so cute, I can't wait to hit town. I'm gonna throw a party, invite everyone round to see my wife, to see the life that I'm gonna live. Think of the beautiful kids that she's gonna give. She's so fine in diamonds, can't wait to hit the club and she's whining. She's all mine, fine in diamonds, can't wait to hit the club and she's whining. She's my wife, gonna get the money, money, money. Rich girl, honey, honey, honey. Gonna get the money, money, money. Rich girl, honey, honey, honey. She's my wife. Sir, क्या है? दस्तखत कीजिए. किसका दस्तखत करूं? आप ही मिस्टर गुरु है ना? अभी इन्होंने बताया था ना? जी हाँ. फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हो? आप ही का दस्तखत चाहिए. प्लीज दस्तखत करने में क्यों झिझक रहे हैं? गुरु कीजिए ना. हाँ कर दीजिए. गुरु का दस्तखत कैसा होगा? साइन करो ना. What is this, Abhi? गुरु, गुरु, क्या हुआ आपको? Sorry. पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. आप जो समझते हैं मैं वो नहीं हूं. अपने बारे में कुछ सच्चाइयां मैं बता देना चाहता हूं. क्या गुरु, क्या बोल रहे हो? फिर क्या अभी? क्या इस जायदाद के लिए मैंने तुमसे प्यार किया? जब मैंने पहली पहली बार तुम्हें देखा था तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, इस जायदाद से नहीं. बस यही नहीं, दुनिया में अगर मैं किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो वो है दहेज. मैं चलता हूं. अरे गुरु, ससुर है या असुर, इसे दहेज को समझ रहे हैं? और मैं क्या समझूं, और मैं क्या समझूं? जीवन साथी के साथ साथ जीने का जरिया भी मिले, ऐसी नौबत किसी मर्द की कभी नहीं आनी चाहिए. ये मैं नहीं कह रहा हूं, लाल पत्थर में राजकुमार ने कहा था जानी. इसलिए आइंदा मेरे बारे में अगर कोई भी फैसला लेना हो तो मुझे पहले से ही बता देना भैया. इस तरह अचानक आके टेंशन मत दीजिए. सब मिलके बात करना आसान है, लेकिन अकेला एक आदमी का बैठ के सोचना कितना मुश्किल है पता है? रुक जाओ. Well done, Mr. Guru. Guru, you are really great. आपकी ये पॉलिसी हर एक को अपनानी चाहिए. अभी अभी आपने जो किया है वो अपने आप में एक मिसाल है. कितना कुछ किया है, इतना भी नहीं करूंगा मिस्टर मोहन नायक. तो मैं चलूं? ओके ओके. अच्छा मैं चलता हूँ. सॉरी अंकल. अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ. आई नो दैट. ओके बाय. अब ये सब किस लिए? चालाक इसे साइन करने के झंझट से छूट गए. ओके, लेकिन हाथ में आने वाली दौलत हवा में लटक गई. कहाँ लटक गई है? मैं कुछ समझा नहीं. आनंद सिंघानिया के 6-7 बच्चे थोड़ी ना है, इकलौती अभी तो है. मेरे ना ना करने पर भी वो लो कहेंगे ना. 60 है, मैंने सिर्फ कागजात फाड़े हैं, उनके भरोसे को नहीं. मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए. लेकिन मेरे मन में एक शक है, तुम्हारी अभी के साथ मंगनी होने वाली है. सपोज उससे पहले ओरिजिनल गुरु लौट आए तो? सॉरी, वो नहीं आएगा. साथे नहीं आएगा. वो दिल में आग लगाने लायक एक खूबसूरत लड़की और 10 पीढ़ी तक बैठ के खाए तो भी खत्म ना होने वाली बेशुमार दौलत को ठोकर मार के अगर कोई गया है तो उसके पीछे जरूर कोई खास वजह है साठे. इसलिए वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा. रुको रुको रुको, मैं कहाँ हूँ? आपका एक्सीडेंट हुआ था.
आप यहाँ नानावती हॉस्पिटल में हैं। आपकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। डॉक्टर, मैं इसी वक्त चेन्नई जाना चाहता हूँ। नो नो, आई एम सॉरी। आपकी सेहत की कंडीशन कुछ ऐसी है, कम से कम आपको एक महीना रेस्ट लेना चाहिए। जरा भी स्टे नहीं होना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा है। नहीं डॉक्टर, मुझे जाना ही होगा। मैं कॉल कर सकता हूँ? ए, अभी सगाई तेरी है और तू यहाँ पर आगे खड़ी है? हाँ, दूल्हे को लाइन मारने के लिए खड़ी हूँ। ओ, तो ये बात है? ओ भैया, ये शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी। ए, स्टॉप, सवाल पे सवाल करके टॉर्चर मत कर, जाके देख कौन दोबारा खाना खा रहा है। यार, मेरे मन में भी एक डाउट है, ये अनिल कपूर और करीना कपूर। ए, अब तू शुरू हो गया, चुपचाप रहने वालों को फंक्शन में बुला के टॉर्चर कर रहा है। हेलो, मैं गुरु बोल रहा हूँ। हेलो, मैं गुरु ही बोल रहा हूँ। ये अभी का घर है ना? हाँ, तो मैं गुरु बोल रहा हूँ। मैं गुरु ही बोल रहा हूँ। किसका फोन था गुरु? रॉन्ग नंबर। ये कोई अनजान नंबर है गुरु। अभी? हाँ, अभी मैं गुरु बोल रहा हूँ। मैं गुरु बोल रहा हूँ बे। हेलो, ए गुरु, ए ठीक से बैठ। ये क्या तरीका है? क्या हुआ तुझे? कोई बात नहीं, रहने दी। अरे क्या कोई बात नहीं, मंगनी हो रही। जेमदम कवित्त जंबु फलजारो भक्तम मासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये अभी लगता है सुहागरात तक सबर नहीं कर पाएंगे। हेलो, अभी अभी है घर में? वो गुरु साहब के साथ शॉपिंग के लिए गई हैं। कहाँ? पता नहीं, कोई सिटी सेंटर कह रही थी। आग में कुछ धूल। मैं क्या हो रहा है देख के आता हूँ, चलो। Thank you.
हेलो, इधर 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 देख, तुझसे डर के भाग रहा हूँ, सोच रहा था तुझे यहाँ खींच लाया हूँ। तू कौन है, मेरी जगह क्यों ले रहा? तू कहाँ गया था बे? उसका तुझसे कोई मतलब नहीं, तू कौन है? गुरु, तेरी अभी माँ बाबूजी फ्रेंड्स सब यही मानते हैं, तू भी मान ले तो कोई मुसीबत नहीं, जितना चाहिए ले ले और दौड़ते 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 दफा हो जाए यहाँ से। मेरी अभी को जान से मार देने के लिए आया है ना तू? चाबे गधे, मुझे फुटपाथ से ले जाके अपने बेडरूम में बिठा के पूजा कर रही है, उसे जाके मैं मारूंगा? उसे तो प्रसाद के तौर पे बच्चा देने वाला हूं। जब कोई शराफत से बात कर रहा है तो मारपीट पे उतर आना ठीक नहीं है बदमाश कहीं के। मैं हूं सबसे बड़ा खिलाड़ी। उसके लिए मार खा के अपनी जान मत गवा, भाग यहाँ से। मेरी अभी को छोड़ के मैं कहीं नहीं भागने वाला। अरे 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 अरे, भाग गया था ना तो एक बार, भाग गया था ना। चाहे कोई भी वजह हो, फिर भी प्यार करने वाली लड़की को छोड़ के भागना धोखा है। किसी और की प्रेमिका है जानकर भी उसे शादी करने का विचार रखने वाला महान हस्ती हूँ मैं। उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मांग रहा हूँ। तेरे और अभी के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे मेंटेन करते हुए यहाँ से चलता फिरता नजर आ। फिर से कह रहा हूँ, जितने करोड़ चाहिए मुझसे ले लेना। पैसा पैसा पैसा, तू समझता पैसों से दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है? अबे पैसा 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 ही है। एक बड़े करोड़पति के घर में पैदा हुआ, 10 साल की उम्र तक नहलाने के लिए एक नौकर, जूते पहनाने के लिए एक, कार का दरवाजा खोलने के लिए एक, ऐसे ऐशो आराम के साथ जी रहा था। सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, उसकी वजह पैसा। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माँ बाप प्लेन एक्सीडेंट में ऊपर पहुंच गए। बिजनेस पार्टनर्स और मैनेजर करके जो भी थे वो सब के सब निकल गए। तब भूखे पेट के साथ मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया इन पैसों ने। जब कोई सुहाना सपना देखते हुए बीच में आंख खुल जाए तो क्या दिल नहीं चाहेगा कि वो सपना एक बार फिर आ जाए? दिल चाहेगा या नहीं, मेरे दिल ने चाहा। वो सुहाना सपना अब 15 साल के बाद साकार हो रहा है। तब बीच में आंख खुली तो मैं बच्चा था, लेकिन अब हर बात में मैं ही गुरु हूं। बीच में मत आ, भाग जा। ये खेल शुरू किया था तूने, अब चला रही है अभी, अंजाम दूंगा मैं। Thank you.
तुम ए, रुक जा। हूबहू मेरे जैसा ही है ना। जब मैंने कहा आप लोग माने नहीं ना। देखिए अभी उसकी बातों में मत आओ। ये मुंबई वाला है, मेरे शक्ल सूरत को रख के तुम्हें धोखा दे रहा है। गुरु मैं हूँ, अभी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ए, रुक जा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? प्लीज मेरी बात मानिए। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। कल आपने मेरी दुकान से जेवर खरीदे थे उसका बिल आपने आज घर आके पैसा कलेक्ट करने को कहा था। मैंने? हाँ आप ही ने। जरा पीछे मुड़ के देखो। आप दोनों जुड़े हैं? अरे नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं। मेरा हमशक्ल है इसलिए दुनिया को धोखा दे रहा है, आपसे जेवर लेके फ्रॉड किया है। ओहो 3,20,000 साहब, 3,20,000। सर ये सब इसी की हरकत है। ए बस कर, ये देखिए लाखों की खरीदारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे पास, मैं भला आपसे उधार क्यों लूंगा। बात कर, ये परचेज कब हुई सर? बिल में ही टाइम दिया है साहब, कल सुबह 10:20 को। अच्छा मजाक है, कल सुबह 10 और 11 के बीच मेरी सगाई थी। सगाई हो गई? हजारों लोग गवाह है कि मैं यही। गुरु पहले उसे घर से बाहर निकालो। अभी बाहर निकालो गुरु, अभी। ए रुक जा, तुझे पहले पुलिस को बुलाकर उसके हवाले करूंगा। पुलिस को बुलाना ही बेहतर होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं अंकल। क्यों? पुलिस तक बात कही तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? हाँ माना कि कमिश्नर आपके दोस्त हैं, हाँ पर मीडिया वाले जान गए तो बदनामी हो जाएगी। हमारे घर की बात अगर मीडिया में आए तो वो सिर्फ शादी की बात होनी चाहिए, ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी की खबर बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करें? पहले दुकानदार को भेज के फिर बात करते हैं। You'll get your money. Thank you. भाई साहब ये बात नहीं नहीं बाहर नहीं जाएगी। हाँ अरे दाजू ये तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये सब कैसे? Get out. दफा हो जा, भाग यहाँ से। अभी उस पर भरोसा मत करो, उससे तुम्हारी जान का खतरा है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। Shut up. सिर्फ 3,00,000 के लिए धोखाधड़ी करने वाला तू मेरे गुरु के बारे में क्या जानता है? पूरी जायदाद इनके नाम करने जब पापा ने कागजात तैयार किए तो उन पर दस्तखत नहीं किया गुरु ने। यही तो, वो मेरा दस्तखत कैसे कर सकता है? हम शक्ल होके एक्टिंग जरूर कर सकता है लेकिन दस्तखत, दस्तखत नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने मना किया है, उसे मेरे दस्तखत करने के लिए बोलिए। देखते हैं, मेरा दस्तखत कर, करना दस्तखत देखते हैं। अगर उसने कर दिए? अगर उन्होंने दस्तखत कर दिया तो उसी पर तू चला जाएगा, फिर कभी इस तरफ नहीं आएगा। जाएगा ना, बोल। ठीक है चला जाऊंगा, पहले उसे साइन कराओ। रुक, ये क्या भी, कोई आके बकवास कर रहा है उसके लिए मैं दस्तखत करूं? छोड़ो ना, किसकी बातों में आ गई तुम। प्लीज गुरु मेरी खातिर प्लीज। ये लो गुरु। करो ना गुरु। बस हो गया ना, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या अभी? यही दस्तखत वो करेगा तो उसको गुरु मान लोगी? कितना कुछ किया है, इतना भी नहीं करूंगा। अभी क्यों खड़ा है? जा जाओ, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, दूर हो जाए मेरी नजरों से, दफा हो जाओ, जाओ। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ये क्या कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ यार, वो कितना बड़ा चालाक होगा जिसने मेरी अभी का भरोसा जीत लिया। बिल्कुल, अब क्या करें? फौरन कुछ करना पड़ेगा, उसे अभी को खतरा है।
अरे तुम लोगों को एक बात मालूम है, अपने गुरु का एक हमशक्ल शहर में घुस आया है। उसने अपने गुरु का मर्डर करने की कोशिश की है। अभी अभी गुरु मुझे ड्रॉप करके चला गया। बेचारा गुरु, उसने मुझे स्टार होटल में ले जाके दारू पिलाई और भर पेट खाना भी खिलाया। गुरु ने मुझे इसके बारे में कहा था। क्या हो गया तुझे? चढ़ गई क्या? छोड़ दे मुझे। ज्यादा चढ़ गई क्या? मुझे नहीं पहचानते? नहीं पहचानते? वो कह रहा है वो अभी भी गुरु सुन के आ रहा है। ये कैसा हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। हां, होशियार रहना बिल्कुल। तुम लोग भी मुझे शक की नजरों से देख रहे हो। तुम्हें भी भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा करेंगे बे, कैसे भरोसा करेंगे? इलाहाबाद स्पोर्ट्स मीट में जब गए थे तो गंगा जी में नहाने गए, वहां तेरा भाई भंवर में फंस गया था, उसकी जान बचा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हाँ हाँ। क्यों बे, क्या देखता है? न्यू ईयर में वाइन शॉप में किसी से झगड़ा करके मारपीट हो गई, फिर पुलिस आई, तेरा मामा मिनिस्टर है बोल के वहां से बच निकले। सुबह मुंबई से आने के बाद मैं कितना परेशान हूँ जानते हो? आज ही मुंबई से आए हो? हाँ। तो उस दिन कॉलेज में कविता बोलने वाला? कविता? हाँ। मैंने तो नहीं बोली। एक मिनट। इन सालों को कोई काम धंधा नहीं है। गुरु बोलना यार, इतनी रात गए कैसे याद किया? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं गुरु, नींद नहीं आ रही थी, भूली बिसरी यादें, आपस में बातें कर रहे थे, सोचा तेरी भी नींद खराब करूं। अलाहाबाद में स्पॉट मीट पे गए, गंगा जी में नहाए, ये सब कभी हम भूल सकते हैं क्या? हाँ। क्यों बे, हाँ हाँ करके चुप हो गया? वहाँ क्या हुआ था कुछ याद नहीं क्या? हेलो हेलो हेलो, वो रूम के अंदर बिल्कुल सिग्नल नहीं है, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुको, मैं बाहर आके बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब सिग्नल मिल गया। मुझे याद क्यों नहीं है यार? हमने गंगा जी में नहाया, तेरा भाई भंवर में फंस गया था, मैंने उसकी जान बचाई। बाप रे, कितना टेंशन था। ए गुरु, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। बोल गोपाल। इस बार की न्यू ईयर ईव हम कभी भुला नहीं पाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, इस न्यू ईयर को कैसे भूल सकते हैं? अबे ओए, तू आदमी है क्या पैजामा? दारू पी के मारपीट करता है और तेरा मामा मिनिस्टर है, अब तो सुधर जा गधे, नहीं तो वो मुंबई वाला तेरे पास आ जाएगा। अपनी शकीला डार्लिंग को उससे बचा के रखना भाई। वो लेडीज के मामले में बड़ा स्ट्रांग है ऐसा सुना है मैंने। कुछ गड़बड़ करके इल्जाम मुझ पर लगाएगा साला। बाय गुरु। बाप रे, ए इसे धक्के देके बाहर निकालो, ये हमारे गुरु को मारने के लिए आया है। चल निकल। अरे कह रहा हूं ना, चल निकल यहां से, चल निकल। चल चलता मन। अरे सुन, इस कंफ्यूजन को दूर करने की एक ही तरकीब है। रूप रंग में भले ही तुम दोनों एक जैसे हो, लेकिन काबिलियत अपना गुरु रनिंग रेस में किंग है। समझ ले कि अगर अपना गुरु मैदान में उतरकर एक बार शेर की तरह दौड़ना शुरू किया तो कोई भी माई कलाल उसे हरा नहीं सकता। शक्लो सूरत में एक जैसे दिखने वाले तुम दोनों हमारे सामने दौड़ोगे, जीतने वाला हमारा गुरु होगा। ये क्या बोल रहे हो? मैं किसके साथ रह रही हूँ? आखिर किसके साथ मेरी मंगनी हुई? शादी का कार्ड भी छप गया है। अभी प्लीज, सुबह होने तक सबर करो, कल रेस के मैदान में सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये साला यहाँ क्यों नाच रहा है? क्या करूं नहीं जानती थी, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, तुम्हें उसके साथ दौड़ना पड़ेगा। जो जीता वही गुरु।
दौड़ना है बस ना। चुपचाप यहाँ ला के फंसा दिया ना, अब क्या करें? अरे मेरा पांव! क्या हुआ? क्या हुआ गुरु? क्या हुआ? मेरा पांव। सब पता नहीं कहां से आ गया। डोंट वरी, दौड़ना ही है ना। आई विल हैंडल इट। रेडी? ओके। तैयार हो? यहां पे तैयार है। रेडी, 1 2 3। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। पीछे पीछे साथी सबको छोड़ा, जोश जगा ले, जोश जगा ले थोड़ा। आपकी सेहत की कंडीशन कुछ ऐसी है, कम से कम आपको 1 महीने रेस्ट लेना चाहिए। जरा भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा है। गुरु! यस! गुरु, मुझे माफ कर दो गुरु, मैंने तो बेशक किया, सॉरी गुरु। ए ए ए जी करता है तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। थैंक यू भगवान। लेकिन तुम गुरु के हमशक्ल हो, इसलिए ऐसा नहीं करूंगी मैं। अबे लोफर, पैसे के लालच में बेरुपिया बनके हमें भी धोखे में रखा तूने। ए सॉरी गुरु, अब भगवान खुदा के मुझसे कहे तो भी मैं तुम पे शक नहीं करूंगी। रिलैक्स। जी हाँ, तेरी तो सब बोल बहाने, जी हाँ तेरे तो सब बोल बहादे। सारी सरगम यारा कीसा तो सुर सब मुझ में पाए, ऐसी रिम जिम धारा, ऐसी रिम जिम धारा। बदल चले लटके झटके, अकलमंदी में सब अटके अटके। हाँ डगर पे आ भूल भटके भटके, ये मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है। बदल चले लटके झटके, अकलमंदी में सब अटके अटके। हाँ डगर पे आ भूल भटके भटके, ये मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है। जी हाँ तेरी तो सब बोल बहाने, तेरी तो सब बोल बहादी। सारी सरगम धारा कीसा तो सुर सब मुझ पे पाए, ऐसी रिम झिम धारा, ऐसी रिम झिम धारा। बदल तेरे लटके झटके, अकलमंदी में सब अटके अटके। हाँ डगर पे आ भूल भटके भटके, मिजाज कैसा है। हाँ तेरी तो सब बोल बहादी, हाँ तेरी तो सब बोल बहादी। सारी सरगम यारा कीसा तो सुर सब मुझ में पाए, ऐसी रिम झिम धारा, कैसी रिम झिम धारा। Thank you.
आंखों के रंग में कलावती, इन लबों पे सिंधु भैरवी, इन आंखों के रंग में कलावती, इन लबों पे सिंधु भैरवी, इस चाल में बंद बागे श्री दुलार में बोले आसावरी। मैं गरबा भांगड़ा के जैसी पिला दो पाने पर देसी, बन जाऊंगी जानू मीत तेरी, दिखला दे वफा हिम्मत तेरी। बदलते लटके छटके अकलमंद में सब अटके अटके, हर डगर पे अभुल भटके भटके, ये मिजाज कैसा है। तू पागल बोले, तू पागल बोले, भड़कते हुए लगा मुझे शर का शिका, मगर मच्छा रोते देखा तो सोचा मन चिर पूछेगा। तू झटके मुझको कारण के देती, जन्मी हो क्या बिजली घर में, दिल में भूकंप मच जाता है, रहती हो तुम मन मंदिर में। तू लैला जो बनेगी मजनू में, तू फाजिल फनकार गायन में, तेरी हारमोनी के चक्कर में मेरे हारमोन रहना संयम में। तू नाज करे वैसे वीणा हो, सर मेरे तुझ में मिला लेना, जी बहलाने वाली वायलिन हो, जी भर के उसे बजा लेना, उसे जी भर के बजा लेना। बदल तेरे लटके झटके अकलमंद में सब अटके अटके, हाँ डगर पे भूल भटके भटके, ये मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है। बदल तेरे लटके झटके अकलमंद में सब अटके अटके, हाँ डगर पे भूल भटके भटके, ये मिजाज कैसा है, 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 कैसा है, कैसा है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है साठे, अभी तक जो कुछ भी हुआ, आज मैदान में जो रनिंग रेस, सब में मैं पास, आज से मैं ही हूँ बास। ये खुशी कायम हो तब ना? क्यों? लोहा जब गर्म हो तब हथौड़ा मारना पड़ता है, हार के गिरने वाला गुरु ऐसा वैसा नहीं है, वो खड़ा होके तुम्हारे खेल को बिगाड़ दिया तो। शादी की इनविटेशन देने के लिए अभी और तुम आज ही निकल रहे हो ना? हाँ तो रास्ते में किसी रिसॉर्ट में थोड़ी देर रुकना पड़े और बातों बातों में उसके साथ एक बार तुम दोनों के बीच में वो हो जाए तो फिर उसके बाद कोई भी आके कुछ भी करे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारतीय नारी के लिए अपनी आबरू से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अरे 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 साठे, फाड़ दिया तूने, निपटा क्या आता हूँ। स्टडी स्टडी रहो, बेस्ट ऑफ लक। साठे साठे साठे, अरे क्या हुआ, नशे में फिर कुछ भूल गया क्या? सटक से पी लिया ना, बहुत चढ़ गई है। अरे मेरा सर, टोटल कंफ्यूजन है, जो कुछ भी तूने कहा मैं भूल गया। फिर से क्या कंफ्यूजन है? बोलो क्या कंफ्यूजन है? इनविटेशन देने के लिए जाते हुए रास्ते में किसी भी एक रिसोर्ट में जाके अभी की इज्जत का फलूदा बनाकर पी लो, यही कहा मैंने। गुरु हूँ रे, गुरु गुरु, अभी जो पी के निकला है ना वो प्रताप है। क्या सिर्फ वो ही एक्टिंग जानता है, है? मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी लड़कियों की आबरू इतनी सस्ती हो गई है तुम्हारी नजर में, कमीने। सॉरी, नो प्रॉब्लम गुरु। यहाँ पास में कोई रिसॉर्ट में जाके वॉश करके जाएंगे ना हम लोग? पास में हमारा रिसॉर्ट है ना, वहीं पे चलते हैं। तुम चलाओ, मैं बताती हूँ।
01 वही रूम मिला। चलो वही रूम चलो ना। जाओ जाओ भाग के मरेंगे। ए से चलाओ पकड़ो से। गुरु मेरे बैग से मुझे एक ड्रेस निकाल के दो ना। जानती थी कि तुम यही दोगे। ए, ए, उस गाड़ी में चढ़ जाओ। करो जल्दी कार। ये रूम हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ना। उस दिन यहाँ पर जो हुआ था सुपर्ब। क्या हुआ? ऑलरेडी कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं हुई? प्यार करने वाले हम आज अगर शादी के मंडप तक पहुँच गए हैं तो वो यहाँ जो हुआ उसकी बदौलत। बंद कमरा और दोनों अकेले और क्या हुआ होगा? बड़े चालाक हो गुरु। उस दिन आसानी से बात करके काम निपटा दिया, आज एकदम मासूम बने बैठे हो। बात करो ना, कुछ तो बोलो। अभी जो हो गया उसे भूल जाओ, अभी जो होने वाला है उसके बारे में बात कर। ठीक है। क्या तो शुरू करें? क्या उस दिन की तरह आज भी? आज भी वही उस दिन की तरह आज भी मस्ती से। उस दिन क्या हुआ था बोलो, क्या हुआ था उस दिन? हम दोनों ने मिलके गलती जो की। अरे अभी अभी तुम गुरु नहीं हो, तुम मेरे गुरु नहीं हो। अरे रे 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 रे। मैं तेरे पास थोड़ी आया, तू ही तो मेरे पास आई थी। हाथ पकड़ लिया, सीने से लगा लिया, कार में बिठा के मुझे अपने घर ले गई। अब जाओ कहा तो नहीं जाऊंगा। जो करने के इरादे से मैं यहाँ पर आया था वो किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। Thank you.
गुरु बाहर जाओ। Oh,
अभी कर दो गुरु, तुम्हारी शक्ल वाले किसी और को बना के भगवान ने मेरे साथ खिलवाड़ किया गुरु। मैंने तुम्हें बहुत सताया ना, इस तरह जख्मी होकर मैं पड़ी हूँ, इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा दामन अभी तक सही सलामत है, जो तुम्हारी अमानत है। भूल से भी उस दामन में दाग लग जाता तो मैं जीते जी मर जाती गुरु, मैं मर जाती। बहरूपिया बनके बिना मेहनत किए दूसरों की चीजों को हड़पने की ख्वाहिश रखने वाला वो कितना खिरा हुआ इंसान होगा। अपनी तारीफ और सम्मान सब कुछ मेरी खुशी के लिए किसी और के हवाले कर दिया तुमने। तुम्हारी शक्ल सूरत उस ऊपर वाले ने उस नीच को कैसे दे दी गुरु। सेक्स कभी भी एक दूसरे से हासिल करने की चीज नहीं है, वो किया नहीं जाता, हो जाता है। औरत को सिर्फ गोश्त मानने वाले उस आदमी के पैदाइश में ही मुझे लगता है कि जरूर कोई खोट होना चाहिए। नहीं। नहीं, मेरी पैदाइश इतनी भी घटिया नहीं हो सकती। तो मैं गुरु नहीं हूं। गुरु, गुरु, अभी गुरु, अभी तुम ठीक तो हो ना? सॉरी नहीं गुरु, सॉरी। पैसा ही सब कुछ है समझ के मैं आज तक जीता रहा, लेकिन मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है। दूसरों की तरह एक्टिंग करना आसान, लेकिन जीना नामुमकिन है। आज तक तुम्हारी तरह एक्टिंग करता रहा, अब से तुम्हारी तरह जीने की कोशिश करूंगा। कितना कुछ किया है, इतना भी नहीं करूंगा। बाय बाय। तुम्हें ढूंढ लिया। पांचवा महीना। एक बात कहूं? क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि ट्विंस हैं। अरे रे 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 Chicken da 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 na 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 na